नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं ओपन चैलेंज 24 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के सफाई कर्मचारी आयोग के यहाँ। आयोग के बाहर जैसे ही हम लोग पहुँचे, हमने देखा यहाँ बहुत भीड़ लगी है। लोग अपनी परेशानियाँ लेकर यहाँ पहुँचे हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर इनकी क्या परेशानियाँ हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश रानी। क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत क्या मैम, हमारे को 11-11, 15-15 साल नौकरी करा के कुछ लोगों को घर बिठा रखा, कुछ लोग टेम्परेली रखे हुए हैं। अब इनको भी निकालने की कोशिश करी जा रही है क्योंकि नई भर्ती खुल रही है। अब कह रहे 10 पढ़े होने चाहिए, 12वीं पढ़े होने चाहिए, ये प्रॉब्लम है। हम आनंद पर्वत पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी करती थी। हाँ जी, आपको हटाने का रीजन क्या है? रीजन का ये कहा कि ब्रांच शिफ्ट हो गई, उधर जगह नहीं है। जब जगह होगी तो निकालेंगे। और नए नए बंदे टेम्परेली रख लिए, और हम जो परमानेंट की तरह ड्यूटी करते थे 8-8 घंटे, और सैलरी बिल पर रजिस्टर पर तनख्वाह मिलती थी, सब कुछ मिलता था, लेकिन फिर भी हमारे को निकाल दिया। लिख के नहीं दिया, निकालने से पहले कोई नोटिस दिया गया? कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया मैम, कुछ भी नहीं दिया। बिना नोटिस के हम रो पीट के रह गए यार। हम ऑफिस, सर, जनरल ऑफिस, सब जगह रो रो के वापस बैठ गए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, हमें 5-5-6 साल से घर बैठा रखा हम लोगों को, और हमारे बच्चे जवान हो गए हैं। हम शादी ब्याह कैसे करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे? उनकी पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई तक रुक गई सबकी। और हम, मैडम, मेरे को 24 साल हो गए ब्रांच में काम करते करते, अब मैं घर बैठा हूँ। तीन साल कोई नोटिस दिया गया? कुछ भी नहीं दिया मैडम, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया किसी को भी। और सैलरी भी 3-3-4 महीने लोगों की रोक देते हैं। हम स्टाफ, जितने भी स्टाफ हैं, 3-3-4 महीने सैलरी रोक दी इन लोगों की, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। मैडम, शोषण किया जा रहा है जी। हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हो गए ना, जितने भी, इनको 25-25 साल से इनको रखा गया है, ना तो इनकी सैलरी टाइम पे देते, इनका ना तो कोई फंड, ना कोई बोनस, ना कोई इंश्योरेंस, कुछ नहीं है इनका। ऐसे है जैसे जितने यहाँ मौजूद है एक ही ब्रांच से हैं? एक ब्रांच है, सब अलग, दिल्ली के अलग अलग ब्रांच से हैं, अलग ब्रांच से हैं जी। और सबके साथ एक ही परेशानी? यही परेशानी सबके साथ, यही परेशानी। ना तो हमारी कोई यूनियन सुनता, ना कोई हमारी पीएनबी की मैनेजमेंट सुनती, कुछ नहीं सुनती हमारी। यूनियन वालों ने हमारे को गुमराह करके रखा हुआ। हमको 25-25 साल हो गए हम लोगों को। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम देखो, 20-25 वर्षों से हमारे लोग कार्य कर रहे हैं पूरी अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने सफाई का, और जबकि हमारे पंजाब नेशनल बैंक के जो मैनेजमेंट ने हैं अभी 10 तारीख को एक वैकेंसी खोल दी है, और जबकि हमारे लोग दिल्ली के तमाम जितने भी सफाई कर्मचारी अपना कार्य अपनी ईमानदारी से कर भी रहे हैं, और फिर भी हमारी मैनेजमेंट ने ये भर्ती खोल दी है। जबकि हमारे लोग कार्य कर रहे थे तो उनको बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं है, जब ऑलरेडी बंदा एक ब्रांच के अंदर काम कर रहा है। तमाम दिल्ली के जितनी भी शाखा है हमारी पंजाब नेशनल बैंक की है, फिर भी इन्होंने देखो भर्ती खोल दी। ये कितना शोषण कर रहे हैं, जबकि देखो कुछ लोगों का कोर्ट में भी मैटर है इसके अंदर परमानेंट के लिए, फिर भी देखो हमारे साथ इस तरीके से जो शोषण कर रही है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम मतलब भाई कोई क्लेम नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहा, हम ये चाहते हैं कि सिर्फ इन गरीब मजदूरों के साथ न्याय होए। जो आयोग में यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ किस अधिकारी ने आपकी बात सुनी? अभी तक किसी ने भी नहीं सुनी है। हमने आयोग से एक गुहार लगाई है कि अभी पहले हमें भर्ती किया जाए, उसके बाद अगर कोई ब्रांच बचे तो आप बाहर से ले सकते हैं। हमने पंजाब नेशनल बैंक से गुहार लगाई और लेटर भी दिया हमने इनको। यहाँ से रिसीविंग अधिकारी ने आपसे मिलने की कोशिश की? नहीं जी, आज आने के लिए बोला है। आज कुछ लोग आए थे और अभी कोई बात नहीं हुई इस विषय के अंदर। अच्छा, यहाँ पे जो चेयरमैन है संजय गहलोत जी, क्या उन्होंने आपकी बात सुनी? उन्होंने सुनी है मैडम, उन्होंने उनको नोटिस ही भेजा, उन्होंने आज ही बोला कि उनको नोटिस भेजेंगे। पर आज उनके बैंक वालों की वहाँ साथ हेयरिंग थी, पर अभी तक नहीं आ रही है। 3 बजे का टाइम, 2 बजे का टाइम तक नहीं आ गया। आप लोग पहुँचे लेकिन बैंक वाला यहाँ कोई नहीं आता, कोई सी हेयरिंग, बहुत कम हेयरिंग पे आते हैं मैडम। हमको डेट भी ऐसी देते हैं, 4-4, 5-5 महीने की डेट देते हैं कि जो साल में 2 बार डेट पड़ती है हमारी बाजी। अच्छा, उसके बाद हमारी कोई पूछ नहीं होती। और आप अपने घर पे कब से बैठे हैं? मैडम इनको कम से कम किसी को 4 साल होगी, किसी को 5 साल होगी जी। मैनेजमेंट इस तरीके से जो शोषण कर रही है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है इन गरीब मजदूरों के साथ। इस कोरोना काल के अंदर भी लोगों ने पूरी ईमानदारी से अपनी मेहनत करी, यहाँ तक कि वो पॉजिटिव भी हो गए। लेकिन हमारा कोर्ट में 11 साल से केस चल रहा है, हमने 11 साल से केस लड़ रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तारीख पे तारीख चल रही है जी। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, 23 साल से नौकरी, बैंक वालों ने साहब मेरे को 2018 के अंदर कह दिया आपका कोर्ट में, कैसे अपने घर चले जाओ। हम अपने घर पे आके बैठ के जब से अब हेड ऑफिस भी हुआ है, सब जगह हुई है, कोई हमारी सुनता नहीं है। और मैडम तनख्वाह के नाम पे पंजाब नेशनल बैंक इतना बड़ा हिंदुस्तान का बड़ा बैंक है, तनख्वाह के नाम पे सिर्फ मात्र 4,500 रुपये से लेके और 9,000 रुपये तक की तनख्वाह है उनको। मतलब अपने बच्चों को कैसे एजुकेशन देंगे, कैसे अपना पालन पोषण करेंगे, और जो कोई दुख तकलीफ हो जाए उसका तो कोई सुख सुविधा नहीं है, ना मेडिकल की है, ना किसी और चीज़ की है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी उम्र उस बैंक में गुजार दी, उस बैंक के लिए ईमानदारी से सेवा करते हुए गुजार दी, और अब इन लोगों
कर्मचारियों को बिना नोटिस के ये कह दिया गया कि नई भर्ती खोल रहे हैं, और अगर नई भर्ती खुलेगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे, इन्हीं की जगह पर नए लोगों को रखा जाएगा और इन लोगों को इनके घर पर रवाना कर दिया जाएगा बिना किसी सुविधा के, जबकि इन्हें सैलरी के नाम पर 4,000 से 9,000 के बीच में ही सैलरी दी जाती है। पंजाब नेशनल बैंक 6,000 तनख्वाह दे भी रहा था, उन्होंने इनका शोषण डबल कर दिया और तनख्वाह कम कर दी, सिर्फ 4 से 4,500 महीने में। आप समझ सकते हैं घर का खर्चा 15,000 की तनख्वाह में भी पूरा नहीं होता, और ये महिलाएं ये भाई सिर्फ 4 से 4,500 की तनख्वाह में अपना पूरा परिवार। भर्ती खुलेगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे, इन्हीं की जगह पर नए लोगों को रखा जाएगा और इन लोगों को इनके घर पर रवाना कर दिया जाएगा बिना किसी सुविधा के, जबकि इन्हें सैलरी के नाम पर 4,000 से 9,000 के बीच में ही सैलरी दी जाती है। पंजाब नेशनल बैंक 6,000 तनख्वाह दे भी रहा था, उन्होंने इनका शोषण डबल कर दिया और तनख्वाह कम कर दी, सिर्फ 4 से 4,500 महीने में। आप समझ सकते हैं घर का खर्चा 15,000 की तनख्वाह में भी पूरा नहीं होता, और ये महिलाएं ये भाई सिर्फ 4 से 4,500 की तनख्वाह में अपना पूरा परिवार पालते हैं, बच्चों की पढ़ाई करते हैं, पूरे महीने का राशन का खर्च उसमें से निकालते हैं, आने जाने वाले मेहमानों को भी उसी में निपटाते हैं। क्या ये जिंदगी जिंदगी है? बावजूद इसके इनको उठाकर बाहर कर दिया गया, क्यों, क्या कसूर है इनका? चेयरमैन साहब ने इनको ये कहा है, चेयरमैन साहब संजय गहलोत जी की तरफ से इन्हें आश्वासन दिया गया है कि आपके हक में फैसला होगा। कैमरामैन अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, ओपन चैलेंज 24 न्यूज। हमारे साथ खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ओपन चैलेंज 24 न्यूज। नमस्कार।